गौरी देवी राजकीय महाविद्यालय में 9 से 11 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं दिनांक 12 से 14 दिसंबर तक 3 दिवसीय नुपुर समारोह आयोजित किया जाएगा। गौरी देवी राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य रेखा शर्मा ने बताया कि गौरी देवी राजकीय महाविद्यालय में दिनांक 9 से 11 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 9 दिसंबर को हस्तकला शिल्प कार्यशाला एवं प्रदर्शनी व 10 तारीख को मानव अधिकार दिवस, 11 दिसंबर को छात्रा मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। छात्रा मिलन समारोह में भाग लेने के लिए छात्रा विद्यालय की सरिता जैन सुनीता यादव से फोन द्वारा संपर्क कर सकती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में दिनांक 9/12/2022 को एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हस्तकला से जुड़ा है और जिसको जीपीएम और गृह विज्ञान के सामूहिक सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम विभिन्न महाविद्यालय के छात्र और छात्राओं को बुला रहे हैं, जो अपनी हस्तकला का प्रदर्शन भी करेंगे और यहाँ पर आकर उसको बनाएंगे भी और उसको फिर हम सेल आउट के लिए, जब हमारी एल्युमिनाई मीट होगी ना दिनांक 11/12/2022 को, उस एल्युमिनाई मीट में हम उन वस्तुओं को एक स्टॉल में लगाकर उनका विक्रय भी करने का प्रयास करेंगे। गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में दिनांक 9 तारीख को हस्तकला शिल्प प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का कार्यक्रम आयोजित होगा। 10 तारीख को मानव अधिकार दिवस, राष्ट्रीय सेवा योजना NCC और महिला विकास समिति के तत्वावधान में होगा। इसी प्रकार 11 तारीख को महाविद्यालय की पूर्व छात्रा मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम उन समस्त पूर्व छात्राएं जो JD कॉलेज की नियमित विद्यार्थी रही हैं और अब किसी भी राजकीय सेवा में पदस्थापन कर चुकी हैं, उन सबको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूर्व छात्राएं पधारेंगी। हम महाविद्यालय परिवार उनका सम्मान करेगा और उनके अनुभवों से अन्य बच्चियों का मोटिवेशन होगा। इसी प्रकार 12 तारीख से 14 तारीख तक महाविद्यालय में प्रतिवर्ष की भांति नुपुर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें महाविद्यालय की समस्त नियमित छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जिसमें समस्त सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।